लड़का और लड़की की शादी हो चुकी थी पर दोनों में बन नहीं रही थी। पंडित ने कुंडली के 36 गुण मिलाकर शादी का नारियल फोड़वाया था, पर शादी के साल बर्बाद ही चिक चिक शुरू हो गई थी। पत्नी अपने ससुराल वालों के उन अवगुणों का भी पोस्टमार्टम कर लेती जिन्हें कोई और देख ही नहीं पाता था। लगता था कि अब तलाक हो तब तलाक। पूरा घर तबाह होता नजर आ रहा था। सबने कोशिश कर ली कि किसी तरह यह रिश्ता बच जाए, दो परिवार तबाही के दंश से बच जाए, पर सारी कोशिशें व्यर्थ थी। जो भी घर आता, पत्नी अपने पति की ढेरों खामियां गिनाती और कहती कि उसके साथ रहना असंभव है। वो कहती कि इसके साथ तो एक मिनट भी नहीं रहा जा सकता, दो बच्चे हो चुके हैं और बच्चे के खातिर किसी तरह ज़िंदगी कट रही है। उनके कटु रिश्तों की यह कहानी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन एक आदमी सब्जी बेचता हुआ उनके घर आ पहुंचा। उस दिन घर में सब्जी नहीं थी। ऐ सब्जी वाले, तुम्हारे पास क्या क्या सब्जियां है? बहन, मेरे पास आलू, बैंगन, टमाटर, भिंडी और गोभी है। जरा दिखाओ तो सब्जियां कैसी हैं? सब्जी वाले ने सब्जी की टोकरी नीचे रखी। महिला टमाटर देखने लगी। सब्जी वाले ने कहा, बहन आप टमाटर मत लो, इस टोकरी में जो टमाटर है उनमें दो चार खराब हो चुके हैं, आप आलू ले लो। अरे चाहिए टमाटर तो आलू क्यों ले लूँ, तुम टमाटर इधर लाओ, मैं उनमें से जो ठीक है उन्हें छांट लूँगी। सब्जी वाले ने टमाटर आगे कर दिए। महिला खराब टमाटरों को किनारे करने लगी और अच्छे टमाटर उठाने लगी। 2 किलो टमाटर हो गया। फिर उसने भिंडी उठाई। सब्जी वाला फिर बोला, बहन भिंडी भी आपके काम की नहीं, इसमें भी कुछ भिंडी खराब है, आप आलू ले लीजिए वो ठीक है। बड़े कमाल के सब्जी वाले हो तुम बार बार कह रहे हो आलू ले लो, आलू ले लो। भिंडी टमाटर किसके लिए हैं? मेरे लिए नहीं है क्या? मैं सारी सब्जियां बेचता हूँ, पर बहन आपके टमाटर और भिंडी ही चाहिए। मुझे पता है कि मेरी टोकरी में कुछ टमाटर और कुछ भिंडी खराब है, इसीलिए मैंने आपको मना किया, और कोई बात नहीं, पर मैं तो अपने हिसाब से अच्छे टमाटर और भिंडियां छांट सकती हूँ, जो खराब है उन्हें छोड़ दूंगी। मुझे अच्छी सब्जियों की पहचान है। बहुत खूब बहन, आप अच्छे टमाटर चुनना जानती हैं, अच्छी भिंडियां चुनना भी जानती हैं। अपने खराब टमाटरों को किनारे कर दिया, खराब भिंडियां भी छांट कर हटा दी, पर आप अपने रिश्तों में एक अच्छाई नहीं ढूंढ पा रही, आपको उनमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती हैं। बहन जैसे आपने टमाटर छांट लिए, भिंडी छांट ली, वैसे ही रिश्तों से अच्छाइयां को छांटना सीखिए। जैसे मेरी टोकरी में कुछ टमाटर खराब थे, कुछ भिंडी खराब थी, पर आपने अपने काम लायक छांट लिए, वैसे ही हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, उन्हें छांटना आता तो आज मोहल्ले भर में आपके खराब रिश्तों की चर्चा ना चल रही होती। सब्जी वाला तो चला गया, पर उस दिन महिला ने रिश्तों को परखने की विद्या सीख ली थी। उस शाम घर में बहुत अच्छी सब्जी बनी, सबने खाई और कहा, बहू हो तो ऐसी। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।